हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फ्यूनेरिया के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम फ्यूनेरिया के क्लासिफिकेशन के बारे में जानें। तो फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा का एक सदस्य है, जिसका किंगडम है प्लांटी, डिवीजन होता है ब्रायोफाइटा, क्लास होती है इसकी ब्रायोप्सिडा, सब क्लास फ्यूनेरिडी, ऑर्डर होता है फ्यूनेरेल्स, फैमिली फ्यूनेरेसी और जीनस होता है इसका फ्यूनेरिया। और संसार में इसकी बहुत सारी स्पीसीज है। सबसे पहले हम फ्यूनेरिया के जनरल करैक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जनरल करैक्टर्स में हम देखेंगे कि फ्यूनेरिया की लगभग 210 स्पीसीज है। इन 210 स्पीसीज में से लगभग 18 स्पीसीज जो है हमारे भारत में रिपोर्टेड की गई है। फ्यूनेरिया इज ए जीनस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 210 स्पीसीज ऑफ मॉस एंड 18 स्पीसीज रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इनमें से एक जो स्पीसीज है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका इज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज, ये सबसे सामान्य स्पीसीज है। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका इज कॉल्ड कार्डमोस बिकॉज ऑफ द ट्विस्ट सीटा। ट्विस्ट सीटा के कारण से क्या कहा जाता है, कार्डमोस भी कहा जाता है। द नेम इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्यूनिस मीनिंग रॉप। इसका जो नाम है वो लैटिन शब्द फ्यूनिस से बनकर मना है, जिसका मीनिंग होता है रॉप। मॉस प्लांट फ्यूनेरिया ग्रोज इन डेंस पचेज और कसिंस इन मोस्ट सेडी एंड कूल पैलेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। जो फ्यूनेरिया है बरसात के दिनों में छायादार स्थानों पर उगता है। इट हैज ए हाइट ऑफ 3 to 5 सेंटीमीटर, ए रेडियल सिमेट्री विथ ए डिफरेंटिएशन ऑफ एन एक्सिस और स्टेम, लीव्स और फाइलॉइड्स एंड मल्टी सेलुलर कलरलेस ब्रांच्ड राइजॉइड्स। इसमें क्या क्या होंगे, स्टेम होगा, लीव्स, ये लीव्स का जो झुंड होगा उसे कहेंगे हम फाइलॉइड्स, और कलरलेस ब्रांच्ड राइजॉइड्स इसमें पाए जाएंगे। इसको हम ऊपर से नीचे तक देखें इस डायग्राम में, तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर ऊपर कैप्सूल, सीटा, लीव्स, मेन जो इसकी एक्सिस है राइजॉइड्स है। राइजॉइड्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, कलरलेस और ब्रांच्ड राइजॉइड्स इसमें पाए जाते हैं। राइजॉइड्स जो है वो रूट के रूप में यहाँ कार्य करते हैं। दीज आर प्रीमिटिव मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉपिक शेड लविंग एम्फीबियस प्लांट। जो फ्यूनेरिया का जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉपिक स्वेपोजी यानी कि ग्रीन प्लांट है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना न्यूट्रिशन करता है। शेड लविंग यानी कि छायादार स्थान या छाया प्रिय ये प्लांट है। एम्फीबियस प्लांट, एम्फीबियस मींस जो इसका जो प्लांट है फ्यूनेरिया का, ये जल और स्थल दोनों स्थानों पर पाया जाता है। दे रिप्रोड्यूस बाई स्पोर फॉर्मेशन, इनका निर्माण किससे होगा, स्पोर फॉर्मेशन से होगा। दे हैव नो वैस्कुलर सिस्टम,
इनमें वेस्कुलर सिस्टम का अभाव होता है। रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजर्स आर प्रेजेंट, रूट के समान इनमें स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्या कहते हैं राइजर्स। दे शो अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ये अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन या इनमें पीडीए का अंतरण पाया जाता है। द गैमेटोफिटिक स्टेज अल्टरनेट्स विद द स्पोरोफिटिक स्टेज, इसका जो मेन प्लांट क्या होता है गैमेटोफाइट होता है, और गैमेटोफाइट जो प्लांट है वो किसमें अल्टरनेट होगा स्पोरोफिटिक प्लांट में। तो इस प्रकार से इसमें अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन भी पाया जाता है। थैंक यू। अगले लेक्चर जो है उसमें हम पढ़ेंगे फ्यूनेरिया में रिप्रोडक्शन, फ्यूनेरिया में जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फ्यूनेरिया में जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार का होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव, वेजिटेटिव में मेनली हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, गैम्यूल्स, वल्वेल्स, एपोस्पोरी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे मेल ब्रांच, फीमेल ब्रांच, एंथ्रीडियम, आर्सिगोनियम, एंथ्रोजॉइट्स और एग। यानी कि मेल ब्रांच, मेल ब्रांच से क्या बनेगा एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम से बनेंगे एंथ्रोजॉइट्स। फीमेल ब्रांच जो है उसमें क्या है आर्सिगोनियम बनेगा, आर्सिगोनियम से क्या बनेगा एग। धन्यवाद।